लिमिट है हर चीज, लिमिट नहीं है। गिरफ्तारी हुई क्या आपकी उसमें? नहीं तो गिरफ्तारी करते हैं आप, मैंने कब रोका? उसमें शिकायतें दोनों की, दोनों की उसमें जांच हुई, ऐसा नहीं एक तरफ करवाई। फिर एफआईआर क्यों की जब गिरफ्तारी नहीं करनी थी तो? उसमें मामले जो थे बिल्डिंग के, कई मामले जो थे आपने दिए थे। सर मेरा आपसे अभी भी सर उसमें न्याय रघुवंशी जी करो, गलत मत करो आप, अन्याय हो रहा है और ये अन्याय हम चले भी जाएंगे, हमें चुनाव में लगना है, हमें पता है कि आपको हमें ये तो दो एक थोड़े दो घंटे बैठेंगे। हमारा इश्यू है मीडिया के माध्यम से बताना कि पुलिस बाहर छोड़ी है, हमें पता है ये बात कि आप नहीं करोगे, ये भी पता है, पर आप ऐसा ही करते रहो तो समय बदलते सर, ये तो मेरे को भी यही भुगतना अगर गलती करो, कोई नहीं बचेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है अभी भी उसको जाँच में लेके आपको रिव्यू करना चाहिए। आतंकवादी नहीं था जैसे 100-200 लोग भेजे आपने, दो दो बार, एक एक बार नहीं भेजे, दो दो बार भेजे आप, एक दिन भेजे मैंने हाथ जोड़े उस दिन 25 गाड़ी सर क्या था ये? शुरू में जांच भी की गई थी और जांच के बाद जब आया तो सर मेरा आपसे अनुरोध है तुलसीराम सिलावट कितना भी आप पुलिस नहीं जिता सकते, उसको जनता हराएगी ये याद रख लो। मेरा आपसे अनुरोध है, ना कलेक्टर जिता सकता है ना प्रशासन जिता सकता है। मैं अभी सर उसमें आपसे निर्णय क्या लिया मुझे फाइनल बता सकते, हम अंदर आए एविडेंस बताओगे सर? आप मुझे एविडेंस बता दो कि ये एविडेंस है, फिर हम हमारे तर्क दे देते हैं, हम पांच जने आ जाते हैं, विधायक तीनों आ जाते हैं सर, दोनों और ये गुड्डू भैया, उसमें सभी लोगों के साथ खड़े तर्क होंगे। उसमें आप जो है अगर मेडिकल वाला जो इशू है कि मेडिकल गलत खड़ा लगे आप उसको रिपोर्ट, नहीं वीडियो भी है ना सर, आपने कहा कि हमारे पास एविडेंस वीडियो हार्ड डिस्क लेके आए अपने जब्ती में लिए, सर उसको बताओ हमें हार्ड डिस्क में क्या है वीडियो, आप सही हो तो हम मानेंगे कि आप सही हो सर, हार्ड डिस्क को बताना चाहिए ना। इतने लोग आए, इतने जनप्रतिनिधि, इंदौर का आधा जनप्रतिनिधि आया है, आधे वो जीते आधे हम जीते हैं, तो हम आधे इंदौर की जनता आपसे कह रही है कि आप हमें अकेले में वो एविडेंस बता दो कि उसने जो हरकत करी इसलिए इस पे 307 है, बता दो। तो मारपीट की है उसने, मारपीट तो मारपीट का वीडियो विजुअल तो होगा ना, मारपीट हुई है, ठीक है ठीक है, उसका अगर होगा शूटिंग लोग आएंगे वहाँ पे उसके वीडियो, आप एक घंटा बाद एसपी ऑफिस से पांच लोग चले जाएंगे वहाँ बता देते हैं, वहाँ वीडियो आपको दिखा देते हैं, एक घंटा बाद चले जाइए पांच लोग वहाँ पे हम बता देते हैं जिस हिसाब से आपको। हाँ वो तो ठीक है, ये लॉकडाउन में सर इसने राशन बांटा वो वीडियो बता रहे हैं कि ये लड़का ही बांटा, वो ठीक है, अब एक घंटे बाद इस पे आप एक घंटा चले जाए वहाँ जो साफ जो भी होगा आपको चार पांच लोगों को बता दें। हाँ पांच लोगों को बता दें और वो सर मीडिया में भी, ये भी हमारा अनुरोध है आपको पता चले, हम गलत होंगे तो हमें क्रिटिसाइज मीडिया को हम बता देंगे याद रखना। और दूसरी बात ये है सर कि अब अगर आपने ये इसको जिला बदर की जितनी कार्रवाई की सर ये अन्याय मत करो सर, उसको भी आप फिर से एग्जामिन करो और इस तरीके से आप करोगे तो कुछ नहीं होना है, और वोट बढ़ा रहे हो आप तो कृपा कर रहे हो, और चार पांच और कर दो तो वोट और बढ़ेंगे, करते जा दो कर दो मेरे पे भी कर दो, तो और तुलसीराम भैया की जो बची कुची है वो भी सब हो जाएगी, मेरे पे करो, ध्यान रखना।